कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रद मनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेश जंतु पुताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुर गुरुर् गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतो तस्याहमेश किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोपि तव वर्ण इतुं स्वरूप सामान्यतोपि तव वर्ण इतुं स्वरूप मस्माद्रशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा मस्माद्रशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः द्रष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा देवान्धो द्रष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा देवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्म रश्मेः रूपं प्ररूपयति किं किल घर्म रश्मेः सामान्यतोपि तव वर्णयितुं स्वरूप सामान्यतोपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्माद्रशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा मस्माद्रशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा द्रष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा देवान्धो द्रष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा देवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्म रश्मेः रूपं प्ररूपयति किं किल घर्म रश्मेः तीसरे काव्य में आचार्य महाराज जी अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं। दूसरे काव्य में कहा कि मैं आपका स्तवन करूंगा, जहां विस्तृत मति वाले बृहस्पति भी जब आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, फिर भी मैं स्तवन करूंगा, लेकिन जब स्तवन करने लगे तो उनको समझ में आया कि भगवान के स्वरूप का वर्णन करना
हमारे बस की बात नहीं है। अपनी अल्पज्ञता प्रकट करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे अधीश, अधीश भगवान का संबोधन है, अधि धन ईश, अधि उपसर्ग पूर्वक ईश, आदिश, बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, आदि भी रख लेते हैं, अधीश भी भगवान का नाम है, तो किसी बच्चे का नाम भी अधीश रखा जा सकता है। तो हे अधीश सामान्यतः अपि तब स्वरूपम वर्णयितुम अस्मादृशा कथम अधीशा भवन्ति। सामान्य से भी, विशेष रूप से नहीं, सामान्य से भी आपके स्वरूप का वर्णन करने के लिए मेरे जैसे कैसे अधीश यानी समर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार में जब एक ही शब्द बार बार पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, बार बार आता है, अर्थ अलग अलग होता है। एक अधीश में भगवान का संबोधन है और एक अधीश में अर्थ है समर्थ। तो हे भगवान, आपके स्वरूप का सामान्य से भी वर्णन करने के लिए मेरे जैसे कैसे समर्थ हो सकते हैं। और हर बात को आचार्य महाराज उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। कह रहे हैं या दिवा अंधा, जो कि दिन में अंधा हो जाता है, कौशिक शिशु, कौशिक शब्द संस्कृत में उल्लूक, उल्लू के लिए, घूक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उल्लू का छोटा सा शिशु यानी बच्चा, दृष्टा अपि, झीट भी हो जाए, निर्लज भी हो जाए, किम घर्म रस्मे रूपम वर्णयति किल, क्या वो सूर्य के स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ हो सकता है? नहीं। जो अभी उड़ना नहीं सीखा है, घोंसले में बैठा हुआ है, उल्लू का छोटा सा बच्चा, जबकि उल्लू के बारे में कहा जाता है जैसे ही सूर्योदय होता है, प्रकाश होता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जिसको दिन में दिखता नहीं है, दिवांध, जो दिन में अंधा है, ऐसा उल्लू का छोटा सा शिशु भी दृष्टा अपि यानी ढीठ भी हो जाए, निर्लजता पे उतर जाए, तो भी क्या वो सूर्य के स्वरूप का वर्णन कर सकता है? अर्थात नहीं। जैसे वो सूर्य के स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, ऐसे ही भगवान मैं अल्प बुद्धि आपकी कैसे स्तवन करूंगा, कैसे स्तुति कर सकता हूं। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने इस तीसरे ही काव्य में अपनी लघुता, अपनी अल्पज्ञता का प्रकाशन कर दिया। जो महान पुरुष होते हैं वो कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, वो अपनी हमेशा लघुता प्रकट करते हैं। कार्य तो करते हैं लेकिन कार्य के साथ में कर्तृत्व बुद्धि के मैंने कुछ किया ये भाव नहीं रखते। कर रहे हैं भगवान की स्तुति और साथ में ये भी कर रहे हैं कि भगवान मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं। तो ये लघुता का, अल्पज्ञता का जो ज्ञापन है, क्योंकि भक्ति की भाषा विनम्रता की भाषा होती है, अहंकार की भाषा भक्ति की भाषा कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ आचार्य महाराज ने अपनी लघुता प्रकट करते हुए कह दिया कि भगवान मैं कैसे आपके स्वरूप का वर्णन कर सकता हूँ। अहंकार की जो भाषा होती है, अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है। थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगता है कि वो अहंकार में अपने सिर को ऊपर उठा रहा है, लेकिन अहंकार ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। एक ब्राह्मण थे, विद्वान, हरिभद्र नाम था उनका, और अहंकार में उन्होंने कि मैं जिससे हार जाऊंगा उसका शिष्य बन जाऊंगा। उनको ऐसा विश्वास था कि जितना ज्ञान मुझे है, मेरे सामने किसी को नहीं है, तो हारने का सवाल ही नहीं है।
और एक बार प्रातः काल में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक श्वेतांबर साध्वी को एक पाठ करते हुए सुना। वो एक गाथा का उच्चारण कर रही थी, उनका नाम याकिनी था। उसमें चक्रवर्ती और नारायण, 12 चक्रवर्ती और 9 नारायण जो हुए हैं उनके क्रम का वर्णन था। वो वर्णन दिगंबर श्वेतांबर दोनों आमनाय में समान है। तो उसमें जब चक्रवर्ती होते हैं तब नारायण नहीं होते, क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है और नारायण 3 खंड के अधिपति होते हैं, अर्धचक्री होते हैं। तो एक साथ नहीं होते, क्योंकि एक साथ यदि हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे में कौन राजा कहलाएगा, 6 खंड वाला राजा कहलाएगा। तो उनके अंडर में वो भी 3 खंड के अधिपति होते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं भगवान के अलावा। तो उसमें एक चक्रवर्ती के समय में दूसरा चक्रवर्ती नहीं हो सकता, एक नारायण के समय में दूसरा नारायण नहीं हो सकता, और एक साथ में चक्रवर्ती और नारायण नहीं हो सकते। तो वो गाथा जो उच्चारण कर रही थी वो श्वेतांबर साध्वी, चक्की दुगम हरि पड़गम पणम चक्कीणम केशवो चक्की केशव चक्की केशव दुचक्की केशवो चक्की। पहले 2 चक्रवर्ती हुए, उसके बाद में 5 हरि हुए यानी 5 नारायण हुए, फिर पणम चक्कीणम, फिर बाद में 5 चक्रवर्ती हुए, फिर एक नारायण हुआ, फिर चक्की हुए, फिर केशव हुए, फिर चक्की हुए, फिर केशव हुए, फिर 2 चक्रवर्ती हुए, उसके बाद में केशव हुए यानी हरि, नारायण उन्हीं का नाम है, और उसके बाद में चक्रवर्ती हुए। जब ये गाथा उन्होंने सुनी, हरिभद्र जो विद्वान ब्राह्मण थे, और उन्होंने क्या केशव चक्की क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने गर्व से अहंकार से बोला, चकवाकी इव किम चकचकाए थे माता, चकवा जैसे चकचक करता है, तुम चकवा के समय क्या चकचक कर रही हो, बार बार चक्की चक्की आ रहा है इसमें। तो उन्होंने ये कहा, वो भी विद्वान थी, तो उन्होंने कहा, नूतन एव चकचकाए थे, नई नई चीज होती है वही थोड़ी चमकती है, हंतु प्रतना, हम तो पुराने हैं वृद्ध हैं, हम में क्या चमक रहेगी। यानी उन्होंने चमक शब्द को श्लेष में लेकर के, एक चमक का अर्थ जो है चमक हो गई, और एक चकचक का अर्थ भी, चकचकाना भी वो चमक के अर्थ में रहता है, और एक चकचक का अर्थ बोलना भी रहता है, चकचक कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो पुराने हैं, हम क्या चमकेंगे, और उन्होंने पूछा था क्या चकचक कर रही हूं, तो उन्होंने कहा कि समझ में आया कि ये तो बड़ी विद्वान है, और उनसे कहा कि आप इसका अर्थ हमें बताओ। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु पास में ही हैं, उनके पास चल करके अर्थ समझते हैं। और वो विद्वान गए उनके पास में, और जब उन्होंने बताया कि 12 चक्रवर्ती और 9 नारायण का ये क्रम बताया गया है, तो उन्होंने जैसा संकल्प किया था कि मैं जिससे हार जाऊंगा उसका शिष्य बन जाऊंगा, तो उन्होंने फिर वहां पर दीक्षा धारण कर ली, वो ब्राह्मण से श्वेतांबर साधु बन गए, और उन्होंने एक षड दर्शन समुच्चय नाम का ग्रंथ लिखा है। षड दर्शन समुच्चय, जिसमें सब दर्शनों से जैन दर्शन का जहां पर तुलनात्मक अध्ययन करके और जैन दर्शन की प्रतिष्ठा जहां पर की जाती है, तो ऐसे अहंकार के कारण में वहां पर कैसी स्थिति बनी, लेकिन वो उनके लिए वहां जो स्थिति बनी उसमें अलंकार, वहां पर एक ही शब्द के 2 अर्थों को लेकर के इस प्रसंग को हमने आप लोगों के सामने रखा है। जैसे इसमें अधीश अधीश शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसमें हमने पहले भी आप लोगों के लिए बताया था कि जैसे बोलते हैं कनक कनक तें सौ गुनी
मादकता अधिकाय, जे खाए बोराए नर ते पाए बोराए। उसमें कनक शब्द के अर्थ एक स्वर्ण है, दूसरा धतूरा है, और तीसरा अर्थ वहां पर कनक जो आपके घर में रोटी बनाने के लिए भी होती है वो भी कनक कहलाती, लेकिन वहां पर वो अर्थ प्रासंगिक नहीं है। एक हमने उदाहरण भी सुनाया था आपके लिए, हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि को लख हरि हरि भये, जे हरि भये उदास। तो इसमें हरि शब्द के अर्थ अब तो आप लोगों ने सुन चुके हैं, तो क्या है अर्थ भूल गए? अच्छी स्मृति है आप लोगों की, इसीलिए कई कई बार ऐसा लगता है कि एक ही क्लास थोड़े अंतराल के बाद में फिर से स्टार्ट कर दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब विस्मरण हो जाता है। हाँ, मेंढक और सर्प उसमें अर्थ था कि हरि बोले, यानी मेंढक ने जब बोला उसकी टर्र टर्र सुनकर के सांप उसके पास गया, और हरि को लख हरि हरि भये, वो वहां पर देख करके वहां से भागता है और पानी में डुबकी लगा करके हरि का अर्थ अंतर्धान दिखाई नहीं दे रहे, और जे हरि भये उदास। एक और उदाहरण सुनाया था, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आए, जो सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। नहीं सुनाया था, कोई बात नहीं, अब सुन लो। सारंग ने सारंग गयो, यहां पर सारंग शब्द के तीन अर्थ हैं। सारंग का अर्थ मयूर भी है और सारंग का अर्थ सर्प भी है, मयूर जो है सर्प को पकड़ लिया। सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल लो आए, उसी समय में बादल की गर्जना होने लगी, बादल की गर्जना को भी सारंग कहा जाता है। और जो मयूर को सारंग कहते हैं और उसकी आवाज जो होती है केकी ध्वनि होती है वो भी सारंग कहलाती है। तो सारंग जो सारंग कहे मुख को सारंग जाए, जैसे ही बादल की गर्जना हो रही है और उस समय में मयूर यदि आवाज करने लगे तो उसके मुख में जो पकड़ा हुआ है वो भी छूट जाएगा। तो यहां पर सारंग शब्द के साथ में यमक अलंकार है, तो ऐसा यमक अलंकार के साथ में इस काव्य में स्तुति की गई है, और उसमें आचार्य श्री ने अपनी अल्पज्ञता अपनी लघुता यहाँ पर प्रकट की। तो जो अपनी लघुता प्रकट करता है वो अहंकार से रहित होकर के भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने कार्य में सफल हो जाता है। कार्य करते हैं लेकिन कर्तृत्व बुद्धि से रहित होते हैं। कर्तृत्व बुद्धि क्या होती है? मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। और कर्तव्य बुद्धि ये होती है कि कार्य कर लिया, सबके सहयोग से ये कार्य हो गया, करेंगे सब कुछ लेकिन वहां पर कह देंगे कि सबके सहयोग से। जैसे दिल्ली के हरसुख सेठ ने वहां पर मंदिर पूरा बनवाया, थोड़ा सा काम रह गया, और उस समय में सारे समाज से चंदा लेकर के, नाम मात्र चंदा को लेकर के उस कार्य को संपादित किया, और बाद में कहने लगे कि ये तो समाज का मंदिर है। तो ऐसी जहां पर कर्तृत्व बुद्धि से दूर होकर के कर्तव्य बुद्धि की प्रेरणा प्राप्त की जाती है वो वहां पर लघुता का अभिव्यक्ति, वहां पर कार्य को सफलता और सबको हर्षित करने वाली है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से एक बार प्रश्न किया गया कि आपकी सबसे अच्छी कविता कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे अच्छी कविता अमिताभ बच्चन है, उनके पुत्र के लिए उन्होंने बोला। लेकिन बाद में वो बोल तो दिया, लेकिन बाद में विचार करती उन्होंने कहा क्या कविता अमिताभ बच्चन मेरी ही है, क्या इसमें उसकी माँ का कोई योगदान नहीं है, क्या उसमें स्वयं उसके व्यक्तित्व का कोई योगदान नहीं है जो मैंने कह दिया कि मेरी सबसे अच्छी कविता है। तो ये उनको वहां पर
कि कोई कार्य को संपादित करते हैं तो उस समय में केवल श्रेय अपने को लेना वो कर्तृत्व बुद्धि होती है, और सबको श्रेय दे देना वो वहाँ पर कर्तव्य बुद्धि होती है। तो ऐसी लघुता को प्रकट करते हुए यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, सामान्य से भी आपका वर्णन करना, विशेष रूप से वर्णन करना तो विशेष बात अलग हो गई, सामान्य से भी वर्णन करना। जैसे आप लोग भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, कहवत के 46 गुण गंभीर, भगवान आपके तो अनंत गुण हैं, लेकिन कहने के लिए 46 गुण, उन 46 गुणों में कौन कौन से गुण आते हैं? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, और 8 प्रातिहार्य, 4 चतुष्टय, हो गए पूरे 34 और 12 46। अब इन अपन इसको ऐसे कह रहे हैं 10 10 14 4 8, यदि इनको अपन गिनाने लगे एक एक करके तो भी अपन उनको गिनाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। सामान्य से भी आपका वर्णन करना छद्मस्त के बस की बात नहीं, फिर विशेष वर्णन करना, स्तुति करना तो कैसे संभव हो सकता है। जहां यदि हम भगवान के जो 10 जन्म के अतिशयों के बारे में देखें तो उसमें एक अतिशय आता है निस्वेदत्वम, भगवान के शरीर से पसीना नहीं निकलता। हम लोगों के शरीर से यदि पसीना नहीं निकले तो बीमार हो जाएंगे, हमारे लिए कूलिंग सिस्टम है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा होता है कि उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता। एक बार एक व्यक्ति मिला था, उसने कहा कि महाराज जी हमको पसीना नहीं आता। मैंने कहा चलो भगवान का एक गुण तो तुम में आ गया। कहने रे नहीं ऐसा मत कहो आप, हमें डॉक्टर ने धूप में जाने से मना किया है, हम धूप में जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, कूलिंग सिस्टम होने के कारण में जैसे ही पसीना निकलता है व्यक्ति का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो हमको डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा धूप में तुम निकल करके गए तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो वहां पर उनके लिए अतिशय है, और सामान्य मनुष्य के लिए यदि नहीं हो तो वहां पर उसके लिए मृत्यु के लिए भी कारण हो सकता है। तो निस्वेदत्तम, फिर निर्मलता, भगवान का शरीर निर्मल होता है, जो कुछ भी वो ग्रहण करते हैं वो सब रक्त आदि के रूप में परिणत हो जाता है, उनको निहार नहीं होता। क्या जठराग्नि होती होगी कि जो कुछ भी खाया है वो सब भस्म हो जाता है। एक बार आचार्य श्री से एक बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका पूरा का पूरा भोजन पच जाता है, कुछ भी नहीं बनता। तो आचार्य श्री ने कहा कि उनकी जठराग्नि प्रबल होती है और उनकी भोजन की जो सामग्री रहती है वो भी उत्कृष्ट रहती है। देवों के द्वारा लाया गया भोजन, सारा देव पुनीत भोजन रहता है उनका जब तक उनकी दीक्षा नहीं होती। फिर आचार्य जी ने कहा कि आप यदि 1 किलो कोयला भी जलाएंगे, 1 किलो लकड़ी भी जलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ राग तो अवश्य बचेगी, लेकिन आप 1 किलो क्या 1000 किलो भी यदि आप कपूर जलाएंगे तो वहां पर आपको राख नहीं मिलेगी। तो वो भोजन सामग्री और जठराग्नि की बात ऐसी रहती है कि उनका सारा भोजन रक्त आदि रूप में परिणत हो जाता है। फिर इसके बाद में क्षीर गौर रुद्रत्वम, भगवान का रक्त जो है दुग्ध के समान, जहां कहा जाता है कि एक शिशु के लिए मां का वात्सल्य उनके आंचल में दुग्ध भर देता है, और जिनका सारे संसार के जीवों के प्रति करुणा वात्सल्य का भाव हो उनका पूरा शरीर यदि निर्मल दुग्ध से भर जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसके बाद में उनकी जो शरीर की आकृति होती है वहां पर उनका समचतुरस्र संस्थान होता है, जहां से भी देखो वो सुंदर दिखाई देते हैं। बाहुबली भगवान की प्रतिमा वैसे बताते हैं
कि प्रतिमा विज्ञान के अनुसार नहीं बनी है, लेकिन जहां से भी देखो वहां पर भगवान की आकृति ऐसी लगती है कि मन को मोहने वाली है। फिर उसके बाद में उत्तम संगनन के धारी होते हैं, उनका रूप भी सबसे सर्वोच्च होता है और उनके शरीर से सुगंधित गंध फूटती है, सुगंध फूटती है और उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। साथ ही साथ में उनके शरीर में अतुल्य बल होता है, बाकी सबके बल तो तुलनात्मक होते हैं। एक आदमी से बैल में, बैल से भैंसे में, भैंसे से घोड़े में, घोड़े से हाथी में, हाथी से सिंह में, सिंह से चक्रवर्ती में, चक्रवर्ती से देव में, देव से वहां पर इंद्र में, ये तो संख्यात संख्यात गुणा रहता है, लेकिन इंद्र से असंख्यात गुणा बल चक्रवर्ती में हो, तीर्थंकर में होता है। तो अप्रमित उनके पास में वीरता या बल होता है। और प्रीहित वादित्व, तीर्थंकर जब कुछ भी बोलते हैं सब लोग उनको सुनने के लिए तरसते हैं, उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि बचपन से ही जो भी उनको सुनता है सुनता ही रह जाता है। ऐसे जन्म के 10 अतिशयों के बारे में भी हम जब विचार करते हैं तो वहां पर हमारी बुद्धि समर्थ नहीं हो पाती है। तो यहां पर कह रहे हैं कहवत के 46 गुण गंभीर, भगवान कहने के लिए 46 गुणों का भी सामान्य से वर्णन करने में हम समर्थ नहीं है, तब हम आपके सारे गुणों का वर्णन कैसे कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा उदाहरण देते हुए कि जो उलूक का शिशु होता है जो दिन में अंधा हो जाता है वो कैसे सूर्य के स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ हो सकता है। इसका अपन पुनः उच्चारण कर लेते हैं। सामान्य तो पितव वर्णयितुं स्वरूप, मस मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा। दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर् यदि वा देवान्ध, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मे। इसके पद्य अनुवाद का उच्चारण करते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, सामान्य से भी कैसे, जिन वर स्वरूप वर्णन, करने समर्थ होंगे, मुझ जैसे नर हे स्वामिन, उल्लू जो दिन में अंधा,
रवि का क्या दे हवाला। कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।